श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय श्री चौरासी वैष्णवन की वार्ता जय श्री कृष्ण पैंसठवें वैष्णव लघु पुरुषोत्तम दास वार्ता प्रसंग एक अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक लघु पुरुषोत्तम दास क्षत्रि कवि हते, सो काशी में रहते इनकी वार्ता को भाव कहत हैं भाव प्रकाश ये लीला में श्री नंदराय जी के घर के भाट हैं इनको नाम लीला में उमाशंकर सो काशी में एक क्षत्रि के घर में जन्मे सो आठ वर्ष के भय तब ही ते कवित्त दोहा करते सो राजा के धन पात्र सेठ के ऐसे करते कवित, श्री आचार्य जी काशी पधारे सो मणिकर्णिका का घाट ऊपर करत करतें कृष्णदास सेठ पुरुषोत्तम दास आदि सगरे ठाड़े हैं तहाँ लघु पुरुषोत्तम दास कवि आए तब सेठ पुरुषोत्तम दास डर पे जो यह धन पात्रन के कवित करत हैं सो मेरो जस कहूँ गावे तो श्री आचार्य जी के आगे ठीक ना ही तब सेठ पुरुषोत्तम दास लघु पुरुषोत्तम दास के पास आए कहो जा या समय मेरे कवित दोहा मती करियो तब लघु पुरुषोत्तम दास ने कही फेरी तुमसो हमसो मिलाप कहाँ होए मैं तो तिहारो कवित करण को यहाँ आयो हों सो करूँगा तिहारे मन आवे तो कछु दीजो मन आवे मती दीजो पैसा देनो, परेता के लिए बरजत हो जो कवित मती करो तब सेठ पुरुषोत्तम दास ने रुपया पाँच दे के कहो घर आइयो और कछु देंगे परंतु या समय श्री आचार्य जी हमारे गुरु संध्यावंदन करत हैं तिनके आगे मेरो जस भूली के मत कहो तब लघु पुरुषोत्तम दास प्रसन्न होय के कहे मैं और राजा के कवि श्री आचार्य जी के आगे कहूँगो तिहारो न कहूँगो तब पुरुषोत्तम दास सेठ ने कही मेरे कवित मती करियो और को तुम जानो तब लघु पुरुषोत्तम दास कवि श्री आचार्य जी के पास जाए अनेक राजान के दस पाँच कवित कहे तब श्री आचार्य जी देवी जीव जानी लघु पुरुषोत्तम दास की ओर कृपा दृष्टि करी कहे लघु पुरुषोत्तम दास तू श्री जी के घर को भाट चारण होए श्री ठाकुर जी को जस छोड़ी राजसी लोगन को जस गावत है सो आछो नाहीं तू कवि है चतुर है राजान को ऐसो जस तू कहो सो कछु गुण इन राजान में है अनेक रोग दुख सो भरे हैं मृतकवत पापी तीन को जस गाय मिथ्या भाषण किए सो आछो नाहीं गायवे लायक एक श्री ठाकुर जी को जस है यह सुनत ही लघु पुरुषोत्तम दास को ज्ञान भयो तब श्री आचार्य जी को जनवत करी विनती करी महाराज सगरो जन्म यो ही मिथ्या भाषण करी गवायो अब मैं आपकी सरनी हूँ सो ऐसी कृपा करो जो सदा श्री ठाकुर जी को जस गाऊँ मोको श्री ठाकुर जी के जस को ज्ञान ना ही ताते राजसी लोगन को जस गायो तब श्री आचार्य जी कहे गंगा जी में न्याय ले हम तो को समुझाएं तब लघुपुरुषोत्तम दास गंगा जी में स्नान करी के श्री आचार्य जी के पास आयो तब श्री आचार्य जी नाम सुनाए समर्पण करायो अपनो चरणामृत दिनो तब लघु पुरुषोत्तम दास को श्री ठाकुर जी की लीला को ज्ञान भयो श्री आचार्य जी के स्वरूप को ज्ञान भयो वार्ता प्रसंग एक शो श्री गोवर्धन नाथ जी कव के कवित और श्री आचार्य जी के कवित एक सार करते या प्रकार श्री आचार्य जी को साक्षात पुरुषोत्तम जानन लागे ताद ते राजा आदि धन पात्र के यहाँ जानो उनके कवित्व कहनो सब छोड़ी दियो सो कछुक दिन में श्री ठाकुर जी सानुभावता जनावन लागे सदा भगवान की लीला में मग्न रहते सो या प्रकार श्री आचार्य जी ने लघुपुरुषोत्तम दास पर कृपा करी ताते लघुपुरुषोत्तम दास बेड़े भगवदीय हैं इनकी वार्ता कहाँ ताही कहिए वल्लभ वैष्णव सदा सुहागी जोशी वल्लभ शरणे आवे सो सोपूरण बड़भागी तुलसा की माला सोहे भाले तिलक रसाला तापर वल्लभ भी मुद्रा सोहे मुखबोले गोपाला मन धन वैष्णव पर वारू गांव गिरधर लाला आज सभा में पूर्ण रहत हैं सूरदास लाला वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी जय श्री कृष्ण